कोरोना के चलते लॉकडाउन 4 के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से सावधानी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना कार्यशैली का अंग बन गया है, अब हमें घर पर भी नहीं बैठना है और काम भी करना है। इसके लिए उन्होंने नियमों का पालन करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने पर जोर दिया और अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन की बात कही। लॉकडाउन 4 में हम चल रहे हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, कोरोना अब हमारे कार्यशैली का एक अंग बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय जगत नड्डा जी ने हम सबको कहा है, अब हमको काम भी करना होगा और कोरोना से जो उसके नॉर्म्स हैं दूर रहने के, जिससे कोरोना हमारे पास ना आए, उससे हमें सचेत भी रहना होगा। हम घर में अब नहीं बैठ सकते, लेकिन हम सतर्कता बरतेंगे, जो कहा गया है सोशल डिस्टेंस उसको मेंटेन करेंगे, अपने कामकाज को भी बहुत तरीके से करेंगे, भीड़ में नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, अगर घर से काम हो रहा है तो घर में करेंगे, शादी ब्याह के समारोहों को नहीं करेंगे, मृत्यु भोज को नहीं करेंगे, जन्म समारोहों को या जैसे जन्मदिन मनाते हैं उसको कोई दो चार लोगों के बीच में मनाएंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में आज हमको सबको सोचना पड़ेगा, और अगर हम ये सोच के चलते हैं तो कोरोना भी नहीं आएगा और हमारा काम भी चलेगा। इसलिए पार्टी का भी काम करना है, अभी एक वर्ष सरकार के पूरे हो रहे हैं, हमको काम भी करना है, तो कैसे करना, तो ये सब चीजें हमको पत्रक के माध्यम से भी और सोशल ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया इन सब के माध्यम से करना है। तो एक नई कार्य संस्कृति हमको डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे हमारी जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, समाज की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, समाज की जिंदगी भी चाहिए, हमारी भी, और काम भी होना चाहिए। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है और जगत जी ने जो कहा है, उस सबको देखते हुए हम सबको मिलजुल कर निश्चित तौर पर अपने कार्य पद्धति में, अपनी कार्यशैली में ऐसा परिवर्तन करना है जिससे कोरोना भी ना आए और काम भी ना रुके। जय हिंद।